ट्राई कर रही हूँ। ब्रेड को पहले टोस्ट करेंगे, पर उससे पहले मेरे को एवोकाडो काट के देखना है। लेट्स ट्राई। वो जो हैक मैंने देखा था वो काम आता है या नहीं। 11 बज गए हैं और मुझे अब नाश्ता नहीं मिलेगा अपने पीजी से। ये ना ऑर्गेनिक है, मतलब कुर्ग का है, मेरी फ्रेंड के घर का है। I'm so excited to taste. जैसे सोची थी वैसा निकल गया है। अब मैंने ये हैक देखा था, दिखने में तो बड़ा ही अजीब है। मैंने ये हैक देखा था कि इसको भी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे अंदर डाल के ऐसे ऐसे ट्विस्ट करना, पर ये ऐसे हो नहीं रहा है, तो मैं ये हाथ से ही ऐसे निकाल रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, ये नारियल जो होता है उसके मतलब उसकी मलाई की जैसे स्मेल आ रही है इसकी। टेस्ट नहीं है। पर ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी टेस्ट नहीं है गाइस, कोई भी मतलब ना खट्टा ना मीठा। बहुत अच्छा हुआ कि मैं इसमें ओरिगेनो डाल लूँ। अच्छा है लेकिन, आई लव इट। मतलब मैं खुद खरीद के नहीं खाऊंगी, लेकिन मिलेगा तो बहुत खाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करी थी, तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, तो उसका बहुत ही सिंपल इलाज है कि आपको क्वेश्चंस के सामने जो है आपको ये लिखना है कि
कौन सा टॉपिक है, अगर आप वो लिख लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करी थी तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो किसी यूनिट में है नहीं, लेकिन ये है कंटेंट एनालिसिस इज़ अ मेथड, तो ये जो आएगा सोशल वर्क रिसर्च में आएगा। तो इसमें आप पढ़ोगे सर्वे डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डाटा एनालिसिस और डाटा कलेक्शन, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये चारों क्या होते हैं। और सोशल वर्क रिसर्च में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अभी मेरे एग्ज़ाम बस ख़त्म होने वाले हैं 3 बजे, उसके बाद मेरा पूरा जो है फोकस जो है UGC नेट में रहेगा, और फिर उसके बाद मैं घर भी जाने वाली हूँ। तो ये 30 डेज के इंक्लूडिंग ही है, मैं 2 को घर जाने वाली हूँ। तो फिर अपन मिलते हैं, पढ़ते हैं, मिलके पढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछो, और मैं एंजॉय कर रही हूँ बारिश, आप गर्मी इंजॉय करो अपनी जगह में।